शंकर तो कहा ही जाता है, जब कई आत्माएं प्रवेश करती है तो संकरण हो गया आत्माओं का, तो शंकर हो गया। तो शंकर कथा नहीं सुनाते हैं, शिव बाप कथा सुनाते हैं, आत्माओं का ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल सुनाते हैं। वहां भक्ति मार्ग में तो शंकर के लिए समझाते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अभी कहते हैं शंकर और चित्र रखते हैं शिव का, अभी माने कभी अभी कहते हैं अभी माने कभी, अरे कुछ नाम है उस अभी का, सतयुग त्रेता द्वापर संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग में भी और संगम में भी कहते हैं, कौन कहते हैं है? कहते हैं शंकर और चित्र रख देते हैं बिंदु का, निराकार ज्योतिर्लिंगम का, शिव का चित्र रख देते हैं है? कौन कहते हैं? बीके कहते हैं कि पीबीके कहते हैं? बीके माने छोटे छोटे बच्चे, ज्ञान में चलने वाले, बेसिक नॉलेज लेने वाले, प्राइमरी स्तर के बच्चे, और एडवांस के माने बीएएमए की पढ़ाई पर ऊंचे स्तर की पढ़ाई पढ़ने वाले। तो कौन कहते हैं है? कि शंकर ने कथा सुनाई लेकिन चित्र रख देते हैं शिव निराकार ज्योति बिंदु का है? बीके वाले कहते हैं, पीबीके वाले तो ये बात कहने क्यों नहीं कह सके, क्योंकि वो तो जानते हैं ना क्या कि शिव निराकार कैसे बोलेगा, ज्योति बिंदु कैसे फुदुक फुदुक के कोई आवाज निकलेगी बिंदु में से, नहीं हाँ वो कोई में प्रवेश करते हैं है? जैसे गीता में भी लिखा है मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, देखने समझ देखने की योग्य हूँ, जानने पहचानने की योग्य हूँ, ये गीता में बात लिखी हुई है ना। तो प्रवेश करने योग्य हो तो मानना चाहिए कि ना कि शिव ने शंकर में प्रवेश किया।